हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में पढ़ेंगे। इस एक लेक्चर में हम क्लेफ्ट लिप क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, इन शॉर्ट पैलेट डिफाइन करेंगे। फिर देन हम क्यों होता है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं क्यों होता है ये, एंड देन अगर हो जाए तो हम उसको मैनेज किस तरह से करेंगे। सो मैनेजमेंट में हम पहले डायग्नोसिस देखेंगे and then how we will manage and we will focus on nursing management, that will be the most important part of this lecture, जो कि आपको miss नहीं करना है। So start करने से पहले एक important point, ये जो हमारा YouTube channel है उसे please like, share और subscribe ज़रूर कीजिए। बहुत ही important questions इससे related और different topics से related different questions भी हम upload करते रहते हैं। So please इस चीज़ को like, share और subscribe करना ना भूलिए, okay? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, दैट इज़ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। हम साथ में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अकेले भी होता है एंड साथ में भी होता है। सो एक साथ ज्वाइन करके हम इस लेक्चर को आज कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, व्हाट इज़ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। अब क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो दोनों ही हैं, दोनों में आप देखोगे कि क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट इज़ एन एबनॉर्मल सेपरेशन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे सेपरेशन है, सो इट इज़ नॉट नॉर्मल। कोई भी आप नॉर्मली देखोगे तो लिप और पैलेट जो है वो जॉइन या फ्यूज होने चाहिए, इट डजंट हैव टू बी सेपरेटेड। सो एबनॉर्मल सेपरेशन इन द ओरोफेशियल रीजन दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ टिश्यू ऑफ द माउथ और लिप डज नॉट फॉर्म करेक्टली। अब जो माउथ और लिप के जो टिश्यू है वो अगर करेक्टली फॉर्म नहीं हुए, कब? इन फीटल डेवलपमेंट। सो इन शॉर्ट ये एक कंजनाइटल एनोमली है, ये बिफोर बर्थ होती है। सो यहाँ पे फीटल डेवलपमेंट में उस वक्त में अगर ये फ्यूजन प्रॉपरली नहीं हुआ तो उस सिचुएशन को हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कहेंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे अप्रोप्रिएटली क्लेफ्ट लिप, ठीक है। तो क्लेफ्ट लिप में यहाँ पे आप देख रहे हो ओनली वन साइड है, यहाँ पे बायलैटरल है, ओके। एंड क्लेफ्ट पैलेट जो कि अंदर के साइड में है, क्लेफ्ट पैलेट आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा, क्लेफ्ट पैलेट यहाँ पे यूनिलैटरल है और यहाँ पे बायलैटरल है, दोनों साइड में है। अब एक और चीज़, क्लेफ्ट लिप अकेला हो सकता है, क्लेफ्ट पैलेट भी अकेला हो सकता है। यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप विद यूनिलैटरल पैलेट भी हो सकता है, यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप विद बायलैटरल क्लेफ्ट पैलेट, और बायलेटरल क्लेफ्ट लिप विद बायलेटरल क्लेफ्ट पैलेट। इस तरह से कॉम्बिनेशंस में, ये वेरिड कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। सो दिस इज़ सॉलिटरी या फिर इन जनरल क्या होता है ये। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ। इंडिविजुअली ये क्या होते हैं, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप को चिलोस्कोसिस इस तरह से इस नाम से भी ये आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब ट्रीटमेंट पार्ट आता है या फिर इसकी सर्जरी आती है तब ये नाम इम्पॉर्टेंट होता है। सो चिलोस्कोसिस ये जो नाम है दैट रिप्रेजेंट्स क्लेफ्ट लिप। सो अ क्लेफ्ट लिप रिजल्ट्स फ्रॉम फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेसेस विद नोज एलिवेशन ऑन द फ्रंटल प्रोमिनेंसेस, ओके। सो यहाँ पे फ्रंटल प्रोमिनेंस में यहाँ पे फ्यूजन का जो है वो फेलियर होने की वजह से क्लेफ्ट लिप होता है। एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट वेरीज फ्रॉम नॉच इन द लिप टू अ लार्ज क्लेफ्ट रीचिंग द फ्लोर ऑफ द नोज। तो ये जो क्लेफ्ट है ये मिनिमल भी हो सकता है, जैसे कि अगर ये लिप्स है तो थोड़ा सा क्लेफ्ट है और ये जो नोज है इसको रीच नहीं कर रहा है। सो इट मे बी स्मॉल ऑल्सो एंड इट मे ऑल्सो एक्सटेंड टू द नोज, कि नोज के जो एंगल है वहाँ तक ये रीच कर रहा है और यहाँ तक डिफेक्ट है। सो इस तरह से वेराइटी भी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लेफ्ट लिप एंड व्हाट इज क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट जो होता है इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फेलियर ऑफ द हार्ड पैलेट, ठीक है। तो इट इज रिजल्टेंट ऑफ द हार्ड पैलेट विद ईच अदर जो फ्यूज नहीं हो पाते हैं। हार्ड पैलेट आपस में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, ये हार्ड पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है, यहाँ पे ये फ्यूज नहीं हो रहा है। सो इट इज़ द फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ हार्ड पैलेट विद ईच अदर एंड विद द सॉफ्ट पैलेट। तो ये ईच अदर मतलब हार्ड पैलेट जो आपस में नहीं फ्यूज हो रहे हैं, प्लस सॉफ्ट पैलेट के साथ भी ये फ्यूज नहीं हो रहे हैं, दैट इज रिजल्टिंग इन टू क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप ऑल्सो यूजअली ऑकर्स विद क्लेफ्ट पैलेट, यूजअली दोनों साथ में आते हैं इसलिए हम इसको साथ में पढ़ रहे हैं, ओके। क्लेफ्ट पैलेट कैन बी कंप्लीट और इट कैन बी
इनकम्प्लीट। सो ये भी यहाँ पे देख रहे हो कि क्लेफ्ट ओनली क्लेफ्ट पैलेट है, बाहर से आपको लिप जो है, देखो लिप में कोई अनामली नहीं है, तो बाहर से आपको डायग्नोज करना ये डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एक्सटर्नल विजुअलाइजेशन से क्लेफ्ट पैलेट है ये नहीं समझ में आएगा अगर सॉलिटरी है तो। बट अगर क्लेफ्ट लिप विथ क्लेफ्ट पैलेट है तो बाहर भी आपको क्लेफ्ट लिप जो दिखाई दे देगा, इसलिए डायग्नोसिस ज़रूरी है इस चीज़ का। सो नॉर्मली कैसे दिखाई देगा, सो नॉर्मल लिप यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल लिप के बाद में यहाँ पे यूनिलैटरल क्लेफ्ट हैगा और यहाँ पे बायलैटरल, ये एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से इस तरह से दिखेगा, इंटरनल ऑब्जर्वेशन से आपको पैलेट दिखाई देगी, वो भी यूनिलैटरल और बायलैटरल हो सकती है, इट मे बी विद और विदाउट क्लेफ्ट लिप। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द एपिडेमियोलॉजी पार्ट कि इसका इंसिडेंस कितना ज़्यादा है ये देखने के लिए। सो द अप्रॉक्सीमेट इंसिडेंस इज 1 in 700 लाइव बर्ड्स, सो इतना इंसिडेंस है 1 in 700 लाइव बर्ड्स, अमंग देम 24% आर बायलैटरल एंड 85% आर एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, तो यहाँ पे 25% आर बायलैटरल एंड 85% आर एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट पैलेट। आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट ऑकर्स इन 1 in 2000 लाइव बर्ड्स, तो जो आइसोलेटेड है यानी क्लेफ्ट लिप के साथ क्लेफ्ट पैलेट नहीं है, सो क्लेफ्ट पैलेट आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट है उसका इंसिडेंस है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन विद बोथ ऑफ देम ऑकरिंग टुगेदर, इट इज़ 1 in 2000। ओके, अब ये कुछ एक इंसिडेंसेस है जिसमें पाया गया है कि निग्रॉइड्स को जो है वो लीस्ट इंसिडेंस होता है, निग्रॉइड्स में ये बहुत कम पाया जाता है, बाकी मंगोलॉइड और अफगान्स में इनका हाईएस्ट इंसिडेंस होता है। ओके, दिस इज अनदर ऑब्जर्वेशन एपिडेमियोलॉजी पार्ट में, क्लेफ्ट लिप इज मोर कॉमन अमंग मेल्स, ओके, एंड क्लेफ्ट पैलेट इज मोर कॉमनली अमंग फीमेल्स, ये भी एक एपिडेमियोलॉजी में पाया गया है कि क्लेफ्ट लिप जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है और क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। ओके, यूनिलैटरल क्लेफ्ट्स अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ इंसिडेंस एंड बायलैटरल फॉर रिमेनिंग 20%। ओके, सो यूनिलैटरल जो है 80% ऑफ इंसिडेंस एंड bilateral for remaining 20%। So this is in short क्या epidemiology है आपके knowledge के लिए। embryology part ये important part है exam point of view से, क्योंकि embryology part में detailing में नहीं जाएंगे, but in short कि कब formation होता है ताकि cleft lip and cleft palate कब आपको USG में दिखाई देने लग जाएगा। So इसके लिए अब embryology जानने के लिए in short face जो होता है वो फॉर्मिंग फेस का जो फॉर्मेशन होता है या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन होता है इट स्टार्ट्स बाय 4th week एंड इट इज़ कम्प्लीटेड बाय 8th week। ओके, तो फेस का जो स्ट्रक्चर्स जो हमें दिखाई देने लग जाते हैं इट स्टार्ट्स बाय द 4th week एंड इट इज़ कम्प्लीटेड बाय 8 weeks, तो इसी के बीच में ही ऑब्वियसली लिप का और पैलेट का फॉर्मेशन भी होगा। सो पैलेट फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटेड बाय द 10th week। ठीक है, तो फेस एक्सटर्नली 4th week to 8th week में कंप्लीट होता है, पैलेट इंटरनल है इसीलिए इट इज़ कंप्लीटेड बाय 10th week। सो 4th week to 8th week में फेस एंड देन 10th week में पैलेट का कंप्लीशन होता है। सो इन शॉर्ट 4 to 10 weeks के बीच में एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट में अगर कोई इश्यूज आए तो यहाँ पे क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट का इंसिडेंस जो है वो यहाँ पे इस एम्ब्रियोलॉजी लाइफ या फिर प्रीनेटल लाइफ में यहाँ पे होता है। ओके, फॉर इन फॉलोइंग 2 weeks द सेकेंड मीडियल नेजल प्रोसेस फ्यूज इन मिडलाइन, फॉलोइंग 2 weeks मतलब उसके आगे 2 weeks में 2 medial नेजल प्रोसेस फ्यूज इन मिडलाइन दैट इज अपर लिप एंड मैंडुबुलर प्रोसेस फ्यूज इन मिडलाइन दैट इज लोअर लिप। ओके, ये आगे के 2 weeks का क्या एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट होता है वो है। एस्टैब्लिशमेंट एंड फ्यूजन ऑफ द फेशियल प्रोमिनेंसेस, फेशियल प्रोमिनेंसेस है उसका एस्टैब्लिशमेंट और उसका फ्यूजन। ओके, बेसिक मॉर्फोलॉजी ऑफ द फेस इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द 4th and 10th weeks एज वी स्टडीड। मिडलाइन फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंसेस 3 paired प्रोमिनेंसेस है। ओके, मैक्सिलरी, लेटरल नेजल एंड मैंडुबुलर प्रोमिनेंसेस, ये इसका फ्यूजन होता है। सो फ्यूजन एक्चुअली पहले सेपरेट होता है ये, फिर उनका फ्यूजन होता है। ओके, सो ये जो फ्यूजन होता है उस टाइम पे जो गड़बड़ी होती है उसके वजह से ये फ्यूज़ नहीं हो पाते आपस में, और फ्यूज़ नहीं हो पाते इसीलिए क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के इंसिडेंसेस हो जाते हैं। सो इट इज़ कि मिडलाइन में एक फ्रंटोनेजल प्रोमिनेंस है और 3 पैड है, दैट इज़
प्रोमिनेंसेस कौन से पैड हैं? मैक्सिलरी, लैटरल नेजल और मैंडिबुलर प्रोमिनेंसेस। ये प्रोमिनेंसेस हैं जो कि पैड हैं और उनका फ्यूजन होने के बाद में मतलब किस तरह से फ्यूजन होता है वो अपना डेवलपमेंटल इटियोलॉजी में उस इंसिडेंसेस को रेज करता है। ओके, सो दैट इज़ वाई क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है वो दैट इज बिकॉज उनके फ्यूजन जो होता है वो फ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ओके, अब इटियोलॉजी ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट कि ये इनका क्या रीज़न है कि ये फ्यूजन एक्चुअली होता है, जो यूनिलैटरल होता है वो या फिर जो सिंगल रहता है वो फ्यूज़ होना चाहिए, बायलैटरल वो आपस में नहीं फ्यूज़ होता है, जैसे दो मैंडिबल है, दो मैक्सिलरी प्रोसेसेस है, सो इट इज़ डिफरेंट वेराइटी। रीज़न यहाँ पे है हेरिडिटरी, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सो अभी तक एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं पता चली है, बट क्या क्या है? हेरिडिटरी हो सकता है, न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट हो सकता है, एनी न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेज, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल एंड ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इट मे ऑल्सो बी अ रीजन, डिफेक्टिव वैस्कुलर सप्लाई टू द अफेक्टेड एरिया, मैकेनिकल डिस्टर्बेंसेज दैट इज टोंग साइज मे बी इंटरफेयर, अफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स, कुछ एक ड्रग्स का इंटरफ्रेंस, टेट्राजेनोसिटी जिसे कहते हैं, अमाइनोफ्ट्रिन या फिर कॉर्टिसोन या फिर थैलीडोमाइड या फिर एंटी कैंसर ड्रग्स एक्सेट्रा। ओके, एल्कोहल के साइड इफेक्ट्स, रेडिएशन इम्पॉर्टेंट, ओके, एनी इन्फेक्शन, मैटरनल इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन जैसे कि, ओके, लैक ऑफ इनहेरेंट डेवलपमेंटल फोर्स, मैटरनल स्मोकिंग सिंड्रोम एसोसिएटेड विद क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, कुछ एक सिंड्रोम्स हैं जो कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के साथ एसोसिएटेड है, दैट मे ऑल्सो बी अ रीजन फॉर द कंडीशन दैट इज क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो आप? प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड 2D और 3D इको इसके हिसाब से आप कर सकते हो। प्रीनेटल काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है अगर किसी फैमिली में इस तरह के इंसिडेंसेस है तो। 22% टू 33% रेट्स फॉर डिटेक्टिंग फेशियल डिफेक्ट्स, 73% फीटल क्लेफ्ट लिप, 1.4% आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट, इस तरह से डायग्नोसिस हो सकता है। कलर डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी कैन ऑल्सो बी यूज, तो इस तरह से आप इन यूट्रो भी फीटल में अगर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट वाली इंसिडेंसेस है या फिर कंडीशन है वो डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लेफ्ट लिप दिखाई दे रहा है, क्लेफ्ट पैलेट दिखाई दे रहा है, सो दिस इज हाउ इट इज़ डायग्नोस्ड प्रीनेटली। USG कैन ऑल्सो बी डन, नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टूल है, कन्फर्म फीटल वायबिलिटी, डिटरमाइन जेस्टेशनल एज, एस्टैब्लिश नंबर ऑफ फीटसेस एंड देयर ग्रोथ, चेक प्लेसमेंट लोकेशन, एग्जामिन फीटल एनाटॉमी फॉर डिटेक्टिंग मालफॉर्मेशन। सो USG भी मालफॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इससे क्या डिटेक्टिंग फीटस का जो लाइफ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे जो पेरेंट्स है वो डिसीजन ले सकते हैं कि वंस बर्थ होने के बाद में जो टाइम ये जो टाइम यूटिलाइज होता है कि क्या ट्रीटमेंट करनी है वो टाइम सेव हो सकता है कि आप पहले से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो फैमिली को समझा सकते हो और फैमिली प्रिपेयर्ड रह सकती है कि इस तरह की हमें ट्रीटमेंट करवानी है। अनदर ऑप्शन इज देयर कि अगर उनको कंटिन्यू नहीं करना है प्रेगनेंसी, सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी गिवन। सो दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब अगर प्रॉब्लम आपने इन्वेस्टिगेट कर ली, ओके, यू नो वॉट द प्रॉब्लम्स आर, सो उस प्रॉब्लम्स को उसके साथ कौन से और प्रॉब्लम्स आएंगे ये भी काउंसलिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? डेंटल, सो डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि ऑब्वियसली वो फॉर्मेशन अगर नहीं है तो यहाँ पे डेंटल माल अक्लूजन्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। स्केलेटल माल फॉर्मेशंस, जो जॉ है उसका प्रोट्रूडिंग होना, इस तरह के माल अक्लूजन्स, नेजल जो क्योंकि एयर जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती इसीलिए नेजल वॉइस आती है, और स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं। फीडिंग ऑब्वियसली बिकॉज पैलेट नहीं है बच्चा सक नहीं कर पाता प्रॉपरली। ईयर प्रॉब्लम्स क्योंकि बिकॉज पैलेट नहीं है प्रॉपरली फ्यूज नहीं है तो वहाँ से यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिल्क जो है वो ईयर कैनाल में जाता है एंड देन ओटाइटिस मीडिया जैसे इन्फेक्शंस होते हैं। स्पीच प्रॉब्लम जैसे कि हमने डिस्कस किया, एसोसिएटेड एनोमलीज जैसे कि हमने पहले भी देखा कि कोई एसोसिएटेड एनोमलीज के साथ भी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होता है, सो अदर एसोसिएटेड एनोमलीज। नाउ डेंटल,
क्या कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एक बार देखने चाहिए कि क्या डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूजन की वजह से. इस तरह के डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे माल अक्लूजन होता है. सो इट इज़ इट मे बी टोटल एजेनेसिस टूथ का या फिर हाइपोडोंटिया मोस्ट कॉमन जो है वो. सुपर न्यूमररी टीथ सेकेंड जो टूथ है वो सुपर न्यूमररी मतलब एक्स्ट्रा आना. इनामल हाइपोप्लेसिया के क्रॉस बाइट्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्रॉस बाइट्स होते हैं. एक्टोपिक इरप्शन ट्रांसपोजिशन के एंड टोरोडोंटिज्म और डायलासेंट्रेशन. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि टूथ में या फिर डेंटल क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज स्केलेटल मालफॉर्मेशन जो कि मैक्सिलरी डिफिशेंसी होती है. मैंडिबुलर प्रोग्नास्थिज्म होता है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ओके क्लास थ्री माल ऑक्लूजन होता है क्योंकि उनका अप्रोप्रिएशन प्रॉपर नहीं है इस वजह से माल ऑक्लूजन होता है. कॉन्केव प्रोफाइल होती है फेस की. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलेटल मालफॉर्मेशंस विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग विथ क्लेफ्ट प्रॉब्लम क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप. अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज़ प्रेजेंट एंड विच नीड्स अटेंशन इज फीडिंग प्रॉब्लम्स क्योंकि पैलेट फॉर्म नहीं है लिप फॉर्म है तो वो सक वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता. बिकॉज ऑफ दैट ओरोनेजल फिस्चुला नेजल रीगर्जिटेशन बॉटल कप स्पून फीडिंग 30-40 डिग्री का एंगल जो है वो ज़रूरी होगा ताकि आप फीडिंग को एड कर सको. ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम डिटेल में पढ़ेंगे बट यू शुड नो कि देयर आर फीडिंग प्रॉब्लम्स. ओके अब सिंड्रोम्स की जो बात कर रहे हैं हम काफ़ी टाइम से कि कुछ एक सिंड्रोम्स के साथ क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप जो है वो एसोसिएटेड है. तो किस तरह के सिंड्रोम्स के साथ बहुत सारे सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड इस चाइल्ड की मोर देन 400 सिंड्रोम्स के साथ क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एसोसिएटेड है. सो कुछ एक मोस्ट कॉमन सिंड्रोम्स जो हैं उनके नाम पर डिस्कस करेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ ट्राइजोमी 13 एंड ट्राइजोमी 18. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. एडवर्ड सिंड्रोम एंड पटाव सिंड्रोम जो इसको कहते हैं एंड वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम्स. ओके वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम्स. ओके नॉन मेंडेलियन में पेरी रॉबिन्सन सिंड्रोम चार्ज एसोसिएटेड सिंड्रोम्स गोल्डन हेयर सिंड्रोम्स. टेट्राजेनिक में फीटल एल्कोहल सिंड्रोम फीटल फिनोटोइन सिंड्रोम और फीटल वेलप्रोइड सिंड्रोम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट इज मेंडेलियन अदर जो डिसऑर्डर हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिया. कुछ एक इसमें डाउन सिंड्रोम में भी कुछ एक में ये पाया गया है दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट विच यू शुड रिमेंबर. मैनेजमेंट अब मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. मैनेजमेंट जो है वो एक अब देख रहे हो मैनेजमेंट में कितने सारे लोग इंक्लूडेड हैं ये हम इन शॉर्ट देख रहे हैं कि कितने सारे पूरी टीम इन्वॉल्व है. इट इज़ नॉट ओनली वन डॉक्टर विच इज़ इन्वॉल्व पूरी टीम इन्वॉल्व होनी है यहाँ पे. सो यू कैन सी यहाँ पे जेनेटिक काउंसलिंग क्योंकि होती है. सो जेनेटिक साइंटिस्ट इन्वॉल्व है ENT सर्जन इन्वॉल्व है सोशल वर्कर नर्सिंग सपोर्ट जो कि इम्पॉर्टेंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है क्योंकि फीडिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि फीडिंग यहाँ पर नहीं हो पाती प्रॉपरली. स्पीच थेरेपिस्ट इन्वॉल्व है साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व है ऑप्थेलमोलॉजिस्ट इन्वॉल्व है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट इन्वॉल्व है ऑर्थोडोंटिक प्रोस्थेटोडोंटिस्ट इन्वॉल्व है प्लास्टिक एंड ओरल सर्जन. सो दिस इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी क्लेफ्ट पैलेट टीम. एक पूरी टीम एक साथ काम करती है एंड ये भी एक स्टेप्स में काम करती है एक साथ मतलब लाइक इट इज़ नॉट लाइक एक बार आपने ऑपरेट कर दिया एंड एवरीथिंग इज़ फाइन. इट हैज़ टू बी इन स्टेप्स. तो ये कौन से स्टेप्स है इसका अप्रोच किस तरह से हम लेंगे अभी सुनने में काफ़ी डिफिकल्ट लगता है. ठीक है छोटी सी बात है क्लेफ्ट लिप है उसको सी दो ऐसा नहीं होता. इट हैज़ मेनी अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट इसीलिए उसका इतना अच्छे से मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे कहते हैं ना वो पूरी टीम की जो साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी होता है. यू कैन नॉट जस्ट रिपेयर द क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट एंड लिव द चाइल्ड. इट हैज़ टू बी एन ओवरऑल पूरा टीम का वर्कअप होना ज़रूरी है वो भी स्टेप वाइज होना ज़रूरी है. सो स्टेप वाइज में क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि प्रीनेटल में जैसे कि हमने डिस्कस किया प्रीनेटल काउंसलिंग और जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के लिए और पेरेंट्स के लिए ताकि वो डिसीजन ले सके. ओके नाउ बर्थ टू 3 मंथ्स का जो पीरियड आता है दैट इज़ फॉर लिप टेपिंग. ओके लिप टेपिंग मतलब इस पीरियड में यहाँ पर ऑपरेट नहीं करा जाता लिप को टेप के थ्रू बांध के या फिर टेपिंग करके रखते हैं ताकि जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो पाए.
ताकि जब सर्जरी हो तो मिनिमल सूचर के साथ सर्जरी हो सके। 3 to 4 months का जो टाइम है दैट इज़ फॉर लिप एडहेशन और लिप रिपेयर, यहाँ पे एक्चुअल लिप रिपेयर सर्जरी होती है। सो ये इंपॉर्टेंट है कब लिप की सर्जरी होती है, सो दिस इज 3 to 4 months। तो यहाँ पे पैलेट रिपेयर नहीं हो रहा है, यू शुड टेक केयर, यहाँ पे सिर्फ लिप की सर्जरी हो रही है। सो क्लेफ्ट लिप के साथ अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो यहाँ पे पैलेट का एडहेशन या फिर पैलेट की सर्जरी यहाँ पे नहीं होगी, पैलेट की सर्जरी होगी। इट इज़ 1 year, अराउंड अबाउट 9 months to 18 months के जो गैप है वो, सो इट इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 साल। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 1 साल का जो बच्चा होगा तब उसकी पैलेट की रिपेयर सर्जरी होगी। देन 2.5 years to 5 years, ये जब पार्ट है जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है ताकि उसकी स्पीच प्रॉपर हो, सो यहाँ पे स्पीच थेरेपी और वेलोफेरेंजियल सर्जरी जो है वो यहाँ पे हो सकती है। 6 to 9 years में यहाँ पे क्योंकि परमानेंट टीथ आने लगते हैं, सो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट और एल्वियोलार बोन ग्राफ्टिंग दिस इज लेटर ऑन। ओके, यहाँ पे एज जो है दैट रेसिप्रोक्रेट विद दी परमानेंट डेंटिशन, सो परमानेंट डेंटिशन के बाद टाइम पे ही आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना है। 16 to 18 years दैट इज ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी, ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी दैट इज बोन ग्राफ्ट सर्जरी। सो इस तरह से इसका अप्रोच जो है, देखो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ साथ इसका अप्रोच का जो पीरियड है प्रीनेटल से लेके 18 years पूरा एडोलेसेंस तक इसका अप्रोच है। सो इट इज़ नॉट ओनली वन डे, इट इज़ दी होल यूथ विच इज़ इन्वॉल्व, जो प्रीनेटल से लेके पूरा बच्चा 18 साल का हो रहा है तब तक उसका ट्रीटमेंट इसमें चलेगा, तभी जाके आफ्टरवर्ड्स उसकी लाइफ जो आगे की है वो स्मूथली कैरी ऑन हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना चाहिए कि इट इज़ नॉट ओनली क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट जो कि सिल के ठीक हो जाएगा, इट हैज़ टू बी दिस अप्रोच, इस तरह से मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इन शॉर्ट हम देखेंगे क्लेफ्ट लिप रिपेयर जो होता है उसमें क्या गोल होता है, इम्प्रूव फेशियल एस्थेटिक्स बाय रिस्टोरिंग दी नेजल एंड लिप काउंटर, ऑब्वियसली कि आपको फेस जो है उसका काउंटर ठीक करना है, सो आपको सूचर देना है। टाइमिंग इज 3 to 6 months जैसे कि हमने डिस्कस किया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल ऑफ 10, ये अगर आपको पूछा जाए रूल ऑफ 10 क्या होता है क्लेफ्ट लिप में, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है इसीलिए, इट वॉज कॉइंड बाई विलहेम मिन्सन एंड मसग्रीव इन 1969। वॉट इज दिस रूल ऑफ 10, इट इज 10 weeks ऑफ एज, ओके, इट इज 10 pounds इन वेट एंड 10 grams पर DLHP। सो ये सर्जरी के लिए ये क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है इसीलिए इसको रूल ऑफ 10 करके दिया गया है। ओके, सो दिस इज रूल ऑफ 10 इन क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी। बच्चा जो है 10 वीक्स का होना चाहिए, उसका वजन 10 पाउंड्स का होना चाहिए और उसका HB जो है वो 10 ग्राम पर DL के अप्रॉक्सीमेटली इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पर्स्पेक्टिव। सो क्लेफ्ट लिप का जो रिपेयर है इट इज नोन एज क्लीडो या फिर क्लीलोप्लास्टी, जो क्लीलोप्लास्टी है दैट इज अकॉर्डिंग टू इट्स नेम जो डायग्नोसिस में हमने देखा, सो इट इज क्लीलोप्लास्टी। ओके, अब क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी जो है दैट इज नोन एज वॉन लैंगहैंग बैक, ये प्रोसीजर यूज किया जाता है VY पैलेटोप्लास्टी बाय व्यू या फिर फरलाउस पैलेटोप्लास्टी या फिर वार्डलिक क्रिनर पुशबैक पैलेटोप्लास्टी, ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं ये डिफरेंट प्रोसीजर्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, इन शॉर्ट पैलेटोप्लास्टी की जाती है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ फ्यू प्रोसीजर्स के नाम जिसके हिसाब से ये पैलेट जो है, देखिए जिसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्लेफ्ट है एंड क्लेफ्ट को आप सूचर से करके यहाँ पे इसको क्लेफ्ट को पैलेटोप्लास्टी कर रहे हो, सो दैट इसमें इतने सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि इन शॉर्ट ताकि जस्ट इन केस अगर आए तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं। नेक्स्ट इज बोन ग्राफ्टिंग जो कि स्केलेटल डिफॉर्मिटी के लिए आता है, बोन ग्राफ्टिंग प्राइमरी बोन ग्राफ्टिंग हो सकता है दैट इज 1st 2 years ऑफ लाइफ में होता है, सेकेंडरी बोन ग्राफ्टिंग दैट इज अर्ली 2 to 5 years ऑफ लाइफ और लेट जो होता है वो 11 to 14 years ऑफ लाइफ। सो दिस इज मैक्स एज लिमिट वेयर बोन ग्राफ्टिंग कैन बी डन जो कि स्केलेटल डिफॉर्मिटीज के लिए कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन शॉर्ट आप
फिर से एक बार रिवाइज कर ले सकते हैं. सो 3 to 6 weeks इन्फेंट ऑर्थोपेडिक्स, 10 weeks प्राइमरी लिप सर्जरी, रूल ऑफ 10 दैट इज 10 weeks ऑफ एज, 10 pounds ऑफ वेट एंड 10 gram ऑफ HB. 18 months में सेकेंडरी पैलेट सर्जरी, 9 months टू 2 years अंडर सुपरविजन ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट एंड रिक्वायर ऑर्थोडोंटिक इंटरवेंशंस, 7 to 8 years करेक्शन ऑफ इंसाइजर माल पोजिशन, 7 to 10 years अगेन सेकेंडरी एल्वियोलर बोन ग्राफ्टिंग, 8 to 11 years मैग्जिलरी एडवांसमेंट ट्राइड विथ फ्रेमवर्क अप्लायंसेस, 12 years ऑनवर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट विथ फिक्स्ड अप्लायंसेस, और 18 years ऑर्थोग्नैटिक सर्जरी. सो इन शॉर्ट रिविजन है ये कि आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ दिस इम्पॉर्टेंट. जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो इस हिसाब से चल रहा है. इट इज़ ओनली नॉट ओनली वन डे जो ट्रीटमेंट होगा. अब आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपको क्या करना है. सो फर्स्ट इंटरवेंशन में आपको क्या करना है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन थ्रू फीडिंग्स विद अ स्पेशल निपल. के लिए अभी जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ लाइक ESSR टेक्निक कहते हैं इसको. ओके, जो फैमिली को या फिर उस पेरेंट्स को समझाओगे. ओके, तो इसमें E स्टैंड्स फॉर एनलार्ज निपल, S फॉर स्टिमुलेट फॉर सकिंग, S फॉर वेट फॉर द बेबी टू स्वॉलो, एंड R इज रेस्ट इन बिटवीन. सो दिस इज स्पेशल टेक्निक. अगर एग्जाम में पूछा जाए सो यू शुड नो वॉट इज दिस टेक्निक, ESSR टेक्निक. सो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एनलार्ज कर रहे हो निप्पल को. ओके, ताकि बच्चे को ज़्यादा सक ना करना पड़े. ओके, एस इज स्वॉलो या फिर सक रिफ्लेक्ट जो होता है, सकिंग को आप प्रमोट कर रहे हो या फिर उसको सक करने के लिए आप स्टिमुलेट कर रहे हो. एंड नेक्स्ट एस इज वेट फॉर स्वॉलोइंग, ये भी स्वॉलो कर ले उसके लिए आप वेट कीजिए. ओके, एंड देन उसके बीच में बच्चे को रेस्ट दीजिए. सो दिस इज़ अ टेक्निक विच यू शुड फॉलो, एंड यू शुड ऑल्सो टीच द पेरेंट्स टू फॉलो दिस टेक्निक वाइल गिविंग फीडिंग्स टू द बेबी. स्पेशली नीड है बच्चे के लिए. मॉनिटर वेट गेन, क्योंकि बच्चा फीड प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, उसका वेट गेन नहीं हो पा रहा है. ये इसी एक क्राइटेरिया से आपको समझेगा कि उसका वेट गेन कितना हो रहा है वो मॉनिटर करना है. क्लीन द क्लेफ्ट विथ स्टराइल वाटर, सपोर्टिंग पेरेंट कोपिंग, प्रोवाइड रोल मॉडलिंग एंड पोजिशन इन्फेंट प्रोन और साइड लाइन. बच्चे को प्रोन या फिर साइड लाइन पोजिशन दीजिए. ओके, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में ब्रेस्ट फीड इफ हैज स्मॉल क्लेफ्ट लिप. अगर बच्चे का क्लेफ्ट लिप स्मॉल है तो ब्रेस्ट फीड कर सकती है. अगर स्मॉल नहीं लार्ज है, इफ बॉटल फेड यूज कॉम्प्रेसिबल बॉटल जो कि कंप्रेस की जा सके. बच्चे को सक नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो ग्रिप नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, उसका लिप वहाँ से जो उसका कंटिन्यूटी है वो ब्रेक है. लॉन्गर निप्पल लार्जर होल, जैसे कि एनलार्ज निप्पल वाला पार्ट था अपना. एनी अदर स्पेशल डिवाइस फॉर फीडिंग दिस इन्फेंट, स्पेशल डिवाइसेस होने चाहिए इसको फीड करने के लिए. फीड स्लोली इन अपराइट पोजिशन एंड बबल या फिर इसको बर्प कीजिए फ्रिक्वेंटली. कीप बल्ब सिरिंज एंड सक्शन इक्विपमेंट एट बेड साइड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर एस्पिरेट किया तो आपको ये इक्विपमेंट्स चाहिए. सो यू शुड कीप इट एट हैंड. पोजिशन ऑन साइड आफ्टर फीडिंग, एक साइड में आप पोजिशन कीजिए ताकि अगर कोई सिक्रीशंस है तो वो ड्रेन हो जाए. पोस्ट ऑपरेटिव क्या करना है, लाइंग ऑन द एब्डोमिन. ओके, अगर बच्चा सोया है तो. ओके, बट उसका जो फेस है दैट हैज टू बी ऑन अदर साइड ऑफ द रिपेयर. जो रिपेयर जो है उसका ऑपोजिट साइड में उसका फेस बेडशीट को टच होना चाहिए. फीडिंग बाय बॉटल ब्रेस्ट और कप. ओरल पैकिंग इट इज़ यूजुअली रिमूव्ड आफ्टर 2 to 3 days. एल्बो रिस्ट्रेंट्स ताकि एल्बो जो है बच्चा फोल्ड नहीं कर पाएगा तो उसका हाथ माउथ तक नहीं पहुंचेगा और वो जो सूचर्स हैं उसको ख़राब नहीं करेगा. सो जो एल्बो है यहाँ पे रिस्ट्रेंट देते हैं. इवन यहाँ पे रिस्ट्रेंट होता है लोगान रिस्ट्रेंट, वो जो हम देखेंगे फोटो में आगे. ओके, इंस्ट्रक्ट द पेरेंट टू कीप द रिस्ट्रेंट एट होम अंटिल पैलेट इज हील्ड 2 to 6 weeks. ओपियोइड्स में भी प्रिस्क्राइब्ड. सॉफ्ट फूड इन डिस्चार्ज प्लान अंटिल सर्जन डायरेक्ट्स देम अदरवाइज. अब ये तो हो गया क्लेफ्ट पैलेट के बारे में. अगर बच्चे को क्लेफ्ट लिप है सो यहाँ पे पोजीशन का आपको ध्यान रखना है कि
कि जो लाई ऑफ एब्डोमेन पोजिशन है दैट इज स्पेशली फॉर क्लेफ्ट पैलेट, इट इज़ नॉट फॉर क्लेफ्ट लिप. क्लेफ्ट लिप अगर है तो बच्चे को मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशन जो आप दे सकते हो दैट इज साइड लाइंग ऑल्सो अपोजिट टू दी दैट जो कि लिप, अगर लेफ्ट साइड का अगर क्लेफ्ट लिप रिपेयर हुआ है तो आपको राइट साइड का पोजिशन उसको देना है ताकि उसका जो सूचर्स जो है वो रब करके ब्रेक ना हो, क्योंकि बच्चे यूजुअली इस तरह से रब कर देते हैं. तो एब्डोमेन पे अगर आप उसको लाई डाउन करोगे तो ऐसे रब करके उसका वो कर सकता है. इसमें लोगांस रिस्ट्रेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. क्लेफ्ट पैलेट के लिए एब्डोमेन वाला पार्ट सही है बिकॉज सिक्रेशंस जाते हैं तो एस्पिरेट ना करें इसीलिए. अदरवाइज अगर क्लेफ्ट लिप है सो साइड लाइन पोजिशन ऑपोजिट टू दैट विच इज रिपेयर्ड, ठीक है, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजिशन फॉर क्लेफ्ट लिप. यहाँ जैसे कि आप देख रहे हो लोगान बो रहता है, इस तरह से देखता है. अगर पिक्चर आपको आए तो आपको आइडेंटिफाई करना है, आना चाहिए कि विच इज लोगान बो. ओके, सो दिस इज लोगान बो. ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अटैचमेंट्स हैं जिसको स्क्रू थोड़ा सा ऐसे नेल्ड है ये, और इस तरह से बो है क्योंकि इसका नाम है लोगान्स बो. और यहाँ पे भी आपको नेल्स जैसे दिखाई देंगे जो कि इस फिक्स्चर को या फिर इस उस बच्चे को, ताकि बच्चा ज़्यादा रो के जो राधा रो के अपने लिप्स को ऐसे खींच ना पाए, इसीलिए इस तरह से इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं. तो बच्चे का लिप का मूवमेंट जो है वो मिनिमल होता है, ओनली फॉर फीडिंग पर्पस. यहाँ पे लोगान बो एंड एल्बो रिस्ट्रेंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कोई प्रॉब्लम ना आए. ये क्लेफ्ट लिप रिपेयर बिफोर एंड आफ्टर इस तरह से दिखता है. सो एक बार क्लेफ्ट लिप का रिपेयर हो जाए सूचर से देन इट हील्स ओवर द टाइम एंड कम्प्लीटली हील्स एक्चुअली. अब इसी के साथ हम अपना लेक्चर है यहीं पे एक पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म करते हैं कि आपको किसी भी डायग्नोसिस पे आने से पहले उसका क्या रीज़न होता है वो जानना इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर पाओ. तो ट्रीटमेंट प्रॉपरली करने के लिए आप एज अ नर्स आपको उसका प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, जिसमें पेरेंट काउंसलिंग, स्पेशली पीडियाट्रिक को लेके मैं कह रही हूँ. सो पेरेंट काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर आपको पता नहीं होगा कि ये क्यों होता है सो आप पेरेंट्स को काउंसिल कैसे करोगे, बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरे बच्चे को ऐसा क्यों हुआ. सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम ख़त्म करते हैं कि आपको कोई भी अगर पैथोजेनेसिस या फिर पैथोफिजियोलॉजी अगर पता हो तो आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हो बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द पेरेंट्स. इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.